बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो हम आर्या का जो पढ़ रहे हैं, उनका जो हमने कैसे उन्होंने सेंट्रल एशिया से साउथ एशिया में वो कैसे आए, ये मैंने पहले लेक्चर में बताया था। और दूसरे लेक्चर में मैंने उन्हें आर्या का जो है सोशल सिस्टम बताया था कि वो आपस में कैसे रहते थे। ठीक है, आज हमने ना डिस्कस करनी है जो चीज़ बेसिक, ये मैं पढ़ा रहा हूँ बेसिक हिस्ट्री, हर चीज़ का आपको थोड़ा थोड़ा पता हो एटलीस्ट। ठीक है, तो थोड़ी आपको एक आइडिया हो जाए ना, तो आपको सारी हिस्ट्री ना आ जाती है। देखें, हिस्ट्री इज़ एवरीथिंग। कोई भी, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, मेडिकल के हैं, चलो अगर आप डॉक्टर हैं, तो आप अपने पेशेंट से पहले उसकी हिस्ट्री पूछेंगे कि खाद्य पीता है तू, चर्स चर्स ने पी खाया। तो ये चीज़ें हैं सारी, हिस्ट्री को ना आप समझने की कोशिश करें। ये बेसिक हिस्ट्री लेक्चर है, इसके बाद मैं डिटेल में बनाऊंगा वीडियो भी। मैंने सिर्फ इनको ना, आपने सिर्फ देखना है कि आर्या एक कौम थी, कैसे आई, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 1500 साल पहले, यानी 1500 बिफोर क्रिस्ट से लेके 400-500 बिफोर क्रिस्ट तक ये रहे। तो आज हमने इनका जो है डिस्कस करना है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ द आर्यांस। ठीक है, तो देखें ये क्या उन्होंने किया, क्या उनका ज़रिया माश था, कैसे वो कमाते थे, कैसे खाते थे, उनकी तिजारत क्या थी, कौन कौन सी चीज़ें वो बनाते थे। ठीक है, उनकी जो इंडस्ट्री थी, अगर वो थी तो वो किस लेवल पे उन थी, तो ये चीज़ें देखें। दे गेव राइज टू द एग्रीकल्चर। ठीक है, उन्होंने ज़राअत को फ़रोग दिया, एक चीज़ ये एक इम्पॉर्टेंट, यानी आप ये यानी आपने एनालिसिस करना है, स्लाइड को देख के ना आपने ओवरऑल स्लाइड का फिर एनालिसिस करना है। ये अगर आप 10-15 लाइनों में अगर स्लाइड लिखी हुई है, ठीक है, ये टाइप डैगर, तो आपने इसको 2 लाइनों में आपके पास एहलियत होनी चाहिए कि आप इसको एक्सप्लेन करें। ठीक है, वीट एंड कॉटन ये इम्पॉर्टेंट है, वर कल्टिवेटेड। ठीक है, वीट, गंदम और कॉटन, ठीक है, कपास। दे डिड नॉट नो एनी थिंग अबाउट द कल्टिवेशन ऑफ राइस। हाँ जी, चावल के बारे में वो कुछ नहीं जानते थे। फिर उसके बाद ये मैंने बात की है एग्रीकल्चर की, सिर्फ वीट एंड कॉटन की। ठीक है, अगर कॉटन की मैंने बात की है तो ज़रूर 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 वो कपड़ा भी बनाते होंगे, ये एनालिसिस होता है। ठीक है, दे डिड नॉट नो एनी थिंग अबाउट द कल्टिवेशन ऑफ राइस। ठीक है, दे ब्रॉट अप, ठीक है, काउज, शीप, गोट्स एंड हॉर्सेस, घोड़े, बकरियाँ, भेड़ें, उसके बाद गाय वगैरह ये भी रखते थे। इंडस्ट्री एंड ट्रेड मेड ग्रेट प्रोग्रेस। हाँ जी, इंडस्ट्री भी आ गई, अब ट्रेड, तजारत भी करते थे। द आर्या कुड मेक बुल कार्ट्स, यानी छकड़े वगैरह, वेपन्स, जो तलवारें वगैरह इस तरह की चीज़ें उस वक्त की जो वेपन्स थे, बोट्स, ठीक है, कश्तियाँ वगैरह, एंड फोर व्हील्ड कैरेज। हाँ जी, आज का जो होता है खोता रेड़ा, वो तो 2 व्हील का होता है ना, 2 पीछे लगे होते हैं व्हील और एक आगे गद्दा साहब होते हैं, तो यहाँ पे सर 4 व्हील्ड कैरेज, ठीक है, वो बनाते थे। दे कुड मेक ऑर्नामेंट्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, ठीक है, जेवरात वगैरह। दे मेड वेपन्स फ्रॉम आयरन, ये आयरन लिखा हुआ है, सच एज बोज एंड एरोज, तीर वगैरह, एक्सिस, कुल्हाड़ा, स्वॉर्ड, तलवार, ये चीज़ देख लें आप कौन कौन सी उनके वेपन थे। देयर वुमेन प्रिपेयर्ड मैट्स एंड क्लोदीज, मैंने वो पहले बताया था ना, कॉटन, वो मैट्स एंड क्लोदीज एट होम। दे कुड ऑल्सो डाई द लेदर। हाँ जी, ये चीज़ देखने कितनी इंपॉर्टेंट है कि वो लेदर को भी डाई कर लेते थे, चमड़े को। चमड़ा कहाँ से आता था ये आपने खुद सोच के बताना है, चमड़ा कहाँ से आता था, ये यहाँ से, कौ, शीप, गोट। एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स वर एक्सपोर्टेड टू अदर एरियाज। हाँ जी, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स वर एक्सपोर्टेड टू अदर, दूसरे इलाकों में वो अपनी जो सरप्लस था वो बेचते थे। इन द बिगिनिंग द आर्यंस यूज्ड बार्टर, ये बार्टर नहीं है, बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम उसको कहते हैं सर, के ये BARTER है, वैसे ये डी नहीं है, बार्टर सिस्टम उसको कहते हैं सर, के इसमें ना, यानी जो चीज़ आपके पास होती है ना उस वक्त, आजकल तो जो सिस्टम है, आजकल तो हमारी इकोनॉमी जो है वो कैपिटलिस्ट है ना, यानी हमारे हम तो आज के दौर में हम हमारे पास हर एक चीज़ मौजूद होती है। ठीक है, ऑलमोस्ट कुछ ना कुछ, थोड़ी बहुत ही एक्सपोर्ट करनी पड़ती है, इम्पोर्ट। जो बार्टर सिस्टम था उसमें ये था कि चीज़ के बदले चीज़, ठीक है, वो शुरू में उन्होंने अपना बार्टर सिस्टम लगाया, यानी जो चीज़ वो बनाते थे वो चीज़ वो देके दूसरे मुल्कों से कुछ और चीज़ दूसरी सिविलाइजेशन से लेते थे। लेटर दे स्टार्टेड यूजिंग कैटल एज करेंसी, फिर उसके बाद उनके पास कैटल आ गई एज ए करेंसी। द कप, देन फिर उसके बाद जनाब जैसे जैसे वो आगे दौर बढ़ता गया, फिर कॉपर कॉइन्स आ गए, ठीक है, इन्वेंटेड। एट दैट टाइम देयर वर नो बैंकिंग सिस्टम, कोई बैंक वाला सिस्टम नहीं था पैसे रखने के लिए, इसलिए वो अपना जो बचत थी, अपना जो सामान था, जो अपनी उनकी सेविंग होती थी, वो ज़मीन में दफन कर देते थे। तो ये है इसका, यानी उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ये देखें आपने इसका, और आपने गो थ्रू कर लिया, थोड़ा थोड़ा गो थ्रू कर लिया। यानी मेरा जो हिस्ट्री पढ़ाने पढ़ा जो चीज़ें हैं, मैं ऐसे करता हूँ स्टडी के, आपने सिर्फ बेसिक चीज़ें देखनी है, ये नहीं आ रहा आप पे आपने पूरी पूरी बुकें पढ़ लें। ठीक है,
तो आगे आप देखेंगे कि इन्हीं से ही यही आर्या लोग जो हैं इनके जो रिलीजियस कस्टम्स हैं यहाँ से ही हिंदुइज्म की स्टार्ट होती है, इब्तदा होती है, हिंदुइज्म इसी कौम से निकला है। तो ये आप देख लें हैंडीक्राफ्ट यानी हाथ से बनने वाली चीज़ें मेड लॉट ऑफ प्रोग्रेस ड्यू टू क्राफ्ट मैन, के पास खुद दस्तकार लोग बहुत ज़्यादा थे जो हाथ से चीज़ें बनाते थे। द क्राफ्ट मैन ऑफ वुड मेटल यानी लकड़ी से बना लेते थे, दार से भी मेटल, स्टोन पत्थर से भी, लेदर एंड दे वर एक्सपर्ट इन देयर वर्क, दे कुड वीव कॉटन एंड वुलन क्लोथ, ओनली देयर सन्स कुड इनहेरिट लैंड फ्राम देयर पेरेंट्स। जैसे ज़माना जाहिलियत में था कि जो ज़मीन है वो आपने बेटों को मिलनी है, यानी इस्लाम के मुताबिक औरत का भी हिस्सा होता है, वो वाला सीन नहीं था। तो ये देखिए आप, ये छकड़ा वगैरह बनाया उन्होंने, ठीक है, इस मॉडल पे। और ये आप उनके एग्रीकल्चर वाला सिस्टम देख लें, ठीक है, बैल बैल वगैरह आगे लगे हुए हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इनके जो हैं रिलीजियस कस्टम्स देखेंगे और इस तरह ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी आपने सिर्फ बेसिक चीज़ें देखनी है, ठीक है, आपको पता हो एटलीस्ट कि आर्या लोग कौन थे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम देखेंगे।